नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि उद्योग आधार जो है वो उद्योग आधार क्या होता है, जिसे उद्यम कार्ड बोलते हैं, वो उद्योग आधार क्या होता है और आपको ये क्या बेनिफिट देगा। इसमें ये है कि जो भी आप छोटा मोटा कारोबार यदि आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का। लेकिन उसमें है कि सब्सिडी जो मिलता है वो आपको 30 से 35% या 50% तक भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर लोन। आपको जिस जितना अमाउंट का लोन है उसके अनुसार ही यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो आपको मेन जो मैं आपको मोटिव बता दूँ कि जो ये उद्योग आधार है क्या, एक्चुअली ये एक है कि ये सूक्ष्म लघु और उद्योग मध्यम जो उद्यम मंत्रालय जो है भारत सरकार के द्वारा जो भारत में छोटे छोटे और ये मध्यम आकार के उद्योगों को जारी किया गया है, जिसमें 12 डिजिट का यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो इसमें ये है उद्योग आधार ये होता है कि जिसमें गवर्नमेंट के तरफ से छोटे मोटे कारोबारी जो होते हैं, जैसे कि सैलून खोल रहे हैं या कोई छोटा मोटा दुकान खोल रहा है या कोई शॉप खोल रहे हैं, उनके लिए ये खोला जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के तरफ से जो कार्ड दिया जाता है उसको 12 डिजिट का नंबर उनको आइडेंटिफिकेशन के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है। उद्योग मालिकों को उद्योग आधार प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, इसमें प्रदान किया जाता है, जिसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसे MSME रजिस्ट्रेशन के रूप में भी माना जाता है, जो आपके स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनके तौर पे ये उनको उसी के लेवल पे माना जाता है। तो बात करें फ्रेंड की उद्योग आधार की आवश्यकता क्यों है, तो भारत में जो उद्योग आधार जो है वो स्टार्ट हुआ था लगभग सितंबर 2015 में ही, लेकिन इसका लाभ बहुत लोगों को नहीं मालूम चला या नहीं मालूम होने के कारण से ये इसका लाभ नहीं लोग भी ले पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब इसको इनिशिएटिव वे पे मतलब हर जगह एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप यदि मेंस हैं कि सूक्ष्म या लघु मध्य आकार जो भी छोटे मोटे कारोबारी हैं उनकी जो आवश्यकता है एक स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए, शुरुआत के बिजनेस चालू करने के लिए, अपने काम को चालू करने के लिए, तो उनके लिए ही ये चालू हुआ है। ये मतलब अवसर दिया गया है उनको ही कि ये आप लोन ले सकते हैं सरकार के तरफ से, और कोई भी आपको मतलब 10 लाख रुपए का यदि लोन लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपए की जगह पे कम ही आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए का आपने जमा किया लिया है लोन और 10 लाख रुपए ही जमा करना होगा, ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको जो डिटेल बताने जा रहा था कि वो है कि ये MSME के जो छोटे मालिक होते हैं, जिसका छोटे मोटे दुकान है, उनके लिए भी है। अब उद्योग का लाभ क्या है मैं आपको बता दूं कि ये जो ये है सब सिक्योरिटी या मोर्टिज जो बोलते हैं मोर्टाज के बिना बैंक लोन प्रदान करने की मदद मिलता है। मतलब कोई भी आपको सिक्योरिटी कुछ बेसिस पे ऐसा होता है कि लोन लेते हैं तो कोई ना कोई आपको सिक्योरिटी आपके पर्पस देना होता है, यदि कोई पेपर है कागजात है वो आपको देना पड़ता है या कुछ अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको लोन लेने के लिए आपको कोई भी पेपर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष टैक्स की छूट में मदद करता है, यदि कोई टैक्स आप पे करते हैं GST उसमें आपको मिल सकता है। आप कम दर पर ब्याज का लाभ उठा सकते हैं, जैसे और भी बैंक में यदि आप डायरेक्ट लोन लेना चाहते हैं या लोन लेंगे तो उसमें आपको है कि ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा और आपको ब्याज भी जमा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन के मामले में लगभग मैंने आपको बताया भी था कि 50% तक सब्सिडी उपलब्ध है। यदि 10 लाख का लेते हैं लोन तो आपको 5 लाख रुपये ही जमा करना पड़ सकता है यहाँ पे। ये तो बेसिक, और भी है कि ISO प्रमाणित जो भुगतान है वो आपका, और इसमें लाइसेंस है, अनुमोदन और अन्य रजिस्ट्रेशन लाभ उठाने की प्रक्रिया भी आसान इसको बनाता है। बिजली बिल में अधिक रियायत मिल सकती है इसके थ्रू, तो ये आपको सर्टिफिकेट है। अब यदि शॉप खोल रहे हैं तो उसमें भी बिजली बिल में भी आपको वहाँ यहाँ से रियायत मिल सकती है। सरकार की सब्सिडी के लिए योग्यता आपको यहाँ पे दे दी जाती है। आने वाले दिनों में यदि कोई और बड़ा बिजनेस करते हैं तो उस लोन के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो सरकार की तरफ से ये आपको बेसिकली डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। व्यवसाय के लिए वर्तमान बैंक अकाउंट के लिए आवेदन करना आसान और शीघ्र है, मतलब इसमें ये नहीं कि आपको बैंक के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे व्यवसाय जो कर्म है होते हैं जिनको काम चालू करना है या कोई नया काम चालू करना है या जो कोई काम चल रहा था उस पर लोन लेना है या अपने काम को और बढ़ाने के लिए लोन लेना है, तो यहाँ पे है कि बैंक को आपको बार बार चक्कर करना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको डायरेक्ट और एक आसान तरीके से लोन मिल जाएगा। बारकोड रजिस्ट्रेशन सब्सिडी भी है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोसेस है सर्विस सेक्टर में है, ये दो ही लोगों के लिए पॉलिसी है। जो एक तो है कि सर्विस सेक्टर के लिए आप देना चाह रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है तब उसके लिए आप ले रहे हैं।
प्रोत्साहन योजना जो होता है 1993 के पैकेज योजना के तहत लाभ उठाना प्रदान हो जा सकता है। भुगतान में किसी भी देरी के बदले सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आपको, मैं आपको बता दूं, यदि इसमें अप्लाई करते हैं और यदि ज़्यादा टाइम लग गया या लोन आपको सही टाइम पे नहीं मिला है, कोई प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, तो आपको यहाँ पे एक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल सकता है। एमई रजिस्ट्रेशन करने वालों को NSIC प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग पर सब्सिडी मिलती है इसमें। तो जितने भी लाभ थे मैंने जो बताए आपको यहाँ पे, बेसिकली आपको उद्योग आधार जो होते हैं, मेनली जो कारोबारी के लिए के जो चालू हुआ है, व्यवसाय जो चालू करेंगे उनके लिए ये मतलब एक तरह से कार्ड, लोन लोन कार्ड अप्लाई मतलब मिल सकता है आपको इसमें। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने डिस्कस किए हैं। अब बात करें उद्योग आधार के लिए योग्यता क्या है इसमें, तो योग्यता की बात करें जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता शर्तें सभी व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि उन संस्थानों के लिए हैं जिन्होंने माइक्रो और स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज यानी छोटे और मध्य व्यवसाय के लिए रूप में बांटा गया है, तो उनके लिए ही है जो कि छोटे मध्य इनके कैटेगरी में। मंत्रालय के अनुसार जो प्लांट और मशीनरी में निवेश में योग्यता शर्तें और नीचे दिए गए टेबल में जो उन्होंने रखा है, मैं नीचे वाली टेबल भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो वो उनके लिए ही ये अवेलेबल हैं। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं वो उन जैसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का है, और सर्विस सेक्टर में है यदि उपकरण से है तो उसमें आपको यहाँ पे, तो अभी जो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग है उनको 50 लाख रुपया तो मिल ही रहा है, बट जो सर्विस सेक्टर है उनको 10 लाख रुपया मिलेगा। जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए का यहाँ मिलेगा, और वहीं जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। जो मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनते हैं उनको 10 करोड़ तक का है, और जो स्मॉल सर्विस सेक्टर में उनको 5 करोड़ तक का है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज बता दो फ्रेंड, जो शुरुआती जो दौर में जो स्टार्टिंग जो बिजनेस करते हैं माइक्रो, उनको ही बोला जाता है। जैसे स्मॉल स्मॉल तो हो गया जो मतलब मेन मीडियम पे ही, लेकिन एक तरह से जो सबसे माइक्रो बोला जाता है जो शुरुआती बिजनेस, छोटे मोटे दुकानदार जो कुम्हार या कोई भी चीज़ है, नॉर्मल सा छोटा मीठा बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई दुकान छोटा मोटा आपने खोला, राशन पानी का खोला, या कोई मोबाइल रिपेयरिंग का खोला, कोई साइकिल दुकान खोल रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का है, कोई कार व्हीकल का है, तो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करे वो माइक्रो में ही आएगा। जो कि आपको सर्विस यदि दे रहे हैं तो 10 लाख रुपये होगा, यदि मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बना रहे हैं आप उसका तो 25 लाख रुपये तक यहाँ मिलने वाला है। बात करें फ्रेंड, ये जो पैसा है वो आपको जब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो आपको जमा जो करना है वो 50% तक ही बताया जाता है कि इसमें कि मिलेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो मेन जो आपका दस्तावेज है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहाँ पे लगने वाला जो है, फर्स्ट तो आधार कार्ड जो कंपलसरी सब जगह माना ही जाता है, और आपके ट्रांजेक्शन पे कोई भी चेक करने हैं या अपडेट करने के लिए एक आपका अनिवार्य होता है जो पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आपका यहाँ जरूरी है। दूसरा है जो सहकारी है, जो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको मिलेंगे। प्राइवेट लिमिटेड यदि कोई दुकान शॉप आपने खोला उसका आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। इसमें लिमिटेड जो लाइबिलिटी जो पर्सनल पार्टनरशिप है, यदि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में किया आपने, तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगने वाला है। और बात करें फ्रेंड, जो पेमेंट का प्रोसेस है, जो पेमेंट मिलेंगे वो सारी डिटेल, वो आपको बैंक का डिटेल भी यहाँ पे सबमिट करनी है, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ बैंक अकाउंट का नंबर होता है उसमें, और आपका IFSC कोड भी जरूरी है सबमिट करना। तो प्लांट की शुरुआती की तारीख आपको बताना पड़ेगा, जैसे कोई आपको प्लॉट जो है दुकान या कोई शॉप खोल रहे हैं या कोई भी डिटेल, तो उसकी जो शुरुआती स्टार्टिंग डेट है वो, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग की जो है उसकी भी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि आप सर्विस दे रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट में आप इंटर कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार को बताना पड़ेगा यहाँ पे। सर्विस जो है आपको यहाँ पे सर्विस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोकेशन की भी आपको डिटेल, जो कि जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, वो भी सबमिट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आधारिक जो पता है मेन आपका जो एड्रेस है वो, जो शॉप का है जो वो आप खोलेंगे उसका, और नियोजित लोगों की संख्या, आप यदि अपने खुद शॉप में हैं तो सिंगल डाल सकते हैं, यदि आपने किसी और को रखा है शॉप को रन करने के लिए चलाने के लिए तो वहाँ पे भी आपको संख्या बतानी पड़ेगी कितने लोग हैं। आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है, एक तरह से परमानेंट यूज़ करते हैं रेगुलर, उसकी भी डिटेल आपकी पढ़नी पड़ेगी।
बात करें फ्रेंड जो उद्योग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपको, जो मैं आपको बता दूं, जो ये पोर्टल है इस पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैं आपको पोर्टल जो लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की तरफ से ये रन किया जाता है, गवर्नमेंट की साइट है यहाँ पे। बात करें फ्रेंड जो स्टेप 1 है वो आपको, स्टेप 1 आधार कार्ड आप अपने पास जरूर रख लें। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक पोर्टल ऑप्शन हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जैसे लिखा हुआ है फॉर न्यू इंटरप्रेनर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज MSME, तो आपको उनके लिए है जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एक आधार कार्ड डिटेल मांगा जाता है फ्रेंड इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि जब आधार का डिटेल मांगा जाएगा, वो अभी आपको इस डिटेल में मैं पूरी तरह से बता देता हूं कि जैसे ही, फर्स्ट तो है कि आधार नंबर के अनुसार ही मांगा जाता है। तो पहले आप जरूर चेक कर लें कि जो आपका आधार कार्ड है, मतलब जो भी आधार कार्ड में नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, या जो भी आप डिटेल मेंशन होती हैं, वो आपका करेक्टिव है कि नहीं। क्योंकि यदि आपका वो करेक्टिव नहीं हुआ तो फिर बाद में रिजेक्ट हो जाएगा ये आपका एप्लीकेशन। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, कभी चेंज कराया हो, वो आप ज़रूर चेक कर लें। मैंने जो वीडियो बनाया है आधार कार्ड में कि आप एड्रेस या नाम नंबर या मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, वो वीडियो का भी आप चेक कर सकते हैं। या आपका डिटेल आधार कार्ड में वेरीफाइड है कि नहीं, वो भी आप डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं अपने आधार को आधार पोर्टल पर जा करके। उसके भी वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पर भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड की जो आधार कार्ड में जो अनुसार है वो आपको नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, वो आधार नंबर यहाँ डालने होंगे। और नेम ऑफ इंटरप्रेनर, उद्यमी का नाम, अपना नाम पूरी तरह से जो आधार कार्ड में है वही आप यहाँ पे मेंशन करें फ्रेंड। उसके बाद बात करें कि ये आई हेयर बाय डिक्लेयर पे लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे क्लिक करें। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करें। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी आपको यहाँ देख सकते हैं ये पोर्टल ओपन हो चुका है। आधार नंबर डालें, उसके बाद आप अपना नाम डालें, आई हेयर बाय डिक्लेयर, और वैलिडेट जनरेट OTP पे कर दें। तो आपके पास मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल जो है भी है, उसमें OTP चला जाएगा। तो वो अब OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यदि नहीं गया है तो आप रिसेट पे करके फिर से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैलिडेट OTP आप अपने OTP आप वैलिडेट कर दें उसमें। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का मोबाइल नंबर OTP जब जाएगा, आप OTP पे सबमिट करेंगे, वैलिडेट जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें वैलिडेट पे क्लिक कर दें। तो यदि आपका, यदि याद रहे फ्रेंड कि आपका वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे आपका वैलिडेट नहीं हो पाएगा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर गया है उसी पे हो, आप कोशिश करें कि वही मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आप अपडेट करें। फिर आपको एक नए पेज में ओपन हो जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे आधार नंबर तो ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा, आपका नंबर, आधार नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा जो सोशल कैटेगरी है आपकी, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ST SC OBC या और अन्य पिछड़ा कैटेगरी से। उसके बाद जेंडर जो ऑप्शन आता है उसमें आपको मेल या फीमेल या जो भी है वो ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप, मतलब शारीरिक रूप से आप कोई विकलांग तो नहीं है, यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। नेम ऑफ इंटरप्राइज, आप उद्यम का नाम, जो दुकान है या कोई शॉप है उसका नाम क्या रख रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। अगले में बात करें कि अपना नाम और जो सोशल जो कैटेगरी है उसको, लिंक जो भी आपने फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे नीचे फिलअप करने का, नीचे के दिए गए चित्र में ऑर्गेनाइजेशन प्रकार दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, 7th में पॉइंट में बात करूँ तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने यहाँ ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं, ट्रस्ट भी, या कोई सोसाइटी बेस पे है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, तो यहाँ पे वो भी खोल सकते हैं, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कौन ऑर्गेनाइजेशन कौन से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद बात करें पैन कार्ड जो नंबर है वो आप अपना पैन कार्ड नंबर डालें, अपने प्लॉट की संख्या और स्थान की अतिरिक्त पता पूरी तरह से फिलअप करें। तो जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि लोकेशन ऑफ द प्लांट, आपको लोकेशन ऑफ द प्लांट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पूरी डिटेल जो आधार कार्ड में जरूरी है वो नहीं, आपको जो जहाँ पे शॉप खोल रहे हैं वो, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे सिटी का नाम, पिन नंबर, राज्य, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एड प्लांट पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ऑफिस एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट भरनी पड़ेगी। स्टेट से सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये जो डिटेल है आपको फिलअप हो जाएंगी। उसके बाद जो भी मेन है, प्लॉट शुरू होने की तारीख दर्ज करें, उसके बाद जो भी प्लॉट कब से स्टार्ट हुआ है, या कोई शॉप कब से स्टार्ट हुआ है प्लांट का,
पिछले रजिस्ट्रेशन की जानकारी दर्ज करें। यदि कोई आपका कोई और भी आप इसके अलावा रजिस्ट्रेशन है तो वो भी कर सकते हैं। बैंक की संख्या जो है, शाखा संख्या, आपका आईएफएससी कोड हो या बैंक का जो अकाउंट नंबर होते हैं, वो आपको अगले फॉर्म जो पेज हैं उसमें फिलअप करना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपने फिलअप कर दिया है ऑलरेडी जो कि आधार कार्ड में, वो भी आप डाल सकते हैं। यदि आप कोई दुकान का खोल रहे हैं तो उसमें भी अल्टरनेट में आप डाल सकते हैं। तो कंपनी के कर्मचारी की संख्या भी जो मैंने आपको बताया, तो वो भी आपको डालना पड़ेगा इसमें कि आपके कंपनी के कितने लोग हैं। उसके बाद अन्य आवश्यकता जानकारी जैसे प्रमुख गतिविधि, राष्ट्रीय औद्योगिक एनआईसी कोड, निवेश राशि, आप कितना किए हैं आदि दर्ज आपको करना पड़ेगा। नॉर्मल सा जो डिटेल है एक पेज में ओपन होता है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो बटन है, चेकबॉक्स बॉक्स बने होते हैं, उस पर क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो एक बार जब जमा होने के बाद आपको सबसे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, मतलब फिर से एक ओटीपी जाएगा आपको। जब कंप्लीट हो जाएगा ओटीपी को वेरीफाई कर लें, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर दें। मतलब जो एक कैप्चा कोड उसी को बोलते हैं जो सामने स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 या कोई कैलकुलेशन या कोई नंबर लिखा होता है या कोई डिजिट लिखा होता है, उसकी को आपको फिलअप करके सबमिट करना है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन ईमेल पर रसीद नंबर मिलेगा। तो आपको एक ईमेल आईडी जब आप डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे तो इस पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसमें इस रसीद नंबर का भविष्य में किया जा सकता है। तो आपको जब मिल जाएगा कंप्लीट तो उसको आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब बात करें फ्रेंड ईमेल पे, तो आपको सारी डिटेल चली जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उद्योग के आधार पर कोई फीस या शुल्क है क्या? नहीं, आपको यदि यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको यहाँ पे कोई पैसा देना नहीं फ्रेंड। तो कुछ सवाल पे बात करते हैं कि संबंधित सवाल है। मैं एक उद्यमी हूँ और मेरे पास वैध आधार नंबर है। आपके पास मतलब एक आधार नंबर है, क्या मैं आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक कर सकता हूँ आवेदन? जी हाँ, कर सकते हैं। आधार नंबर रखने वाला कोई भी उद्यमी आसानी से आधार रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है जिनके पास आधार है। मैं एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ? तो जो आधार जो मैं आपको साइट दूंगा वो आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ सकते हैं। तो एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, जो कि पूर्ण सचिव जो मैंने आपको बताया था उसका पूर्ण नाम तो यही है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। ये लॉन्च जो हुआ था बताया था आपको मैंने फ्रेंड 2015 में है। रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है वो बिल्कुल निशुल्क है। आधार रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। तो इसमें क्या मुझे उद्योग प्रमाण पत्र भौतिक कॉपी मिल सकती है? जो क्या जो है मुझे उद्योग प्रमाण पत्र अभी तक मिल सकते? नहीं, ये तो नहीं मिलेगी इसमें। इसके लिए आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य है। हाँ, इसमें आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य है। नहीं, इसमें आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर अनिवार्य नहीं है। कुछ जो असाधारण मामलों में आप जिला उद्योग डीआईसी की मदद से उद्योग आधार आवेदन के लिए ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना जरूरी पड़ जाएगा। मेरे उद्योग आधार प्रमाण पत्र का जो एक्सपायरी जो तारीख है वो कब होता है एंड? तो उद्योग आधार का जीवन भर के लिए है। ऐसा कोई नहीं है कि आपका एक्सपायरी डेट होता है इसमें, आपका जरूरी नहीं कि वो एंड डेट इसमें कंप्लीट होगा फ्रेंड। तो पूरी तरह से जो मैंने आपको प्रोसेस बताए थे इस वीडियो के माध्यम से कि जो प्रोसेस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किन लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए फ्रेंड, तो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई आप किसी से भी पैसा लेते हैं या कोई बिजनेस चालू करने के लिए लेते हैं, 5 लाख लें या 10 लाख लें, तो उसका ब्याज आपको कहीं ना कहीं देना पड़ता होगा, या कहीं बैंक से लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना पड़ता है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से निकला हुआ है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, आप इसमें करके अपने आपको सुरक्षित भी रख सकते हैं। एक तरह से जो पेमेंट आपको मांगा जाएगा या जो पेमेंट आप मतलब लेते हैं ऑनलाइन, यदि आपको गवर्नमेंट 10 लाख दी तो आपको जरूरी नहीं कि 5 लाख ही देना पड़ेगा, हो सकता है 7 लाख देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जो सब्सिडी है आपको वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको सब्सिडी जो अमाउंट है लगभग आपको यदि 10 लाख ले रहे हैं तो आपको यदि सब्सिडी मिल भी गया 35% 30%, तो 5-7 लाख रुपये आपको ही देना पड़ रहा है। तो बस 3 लाख 2 लाख रुपये का तो जो आपको बेनिफिट है वो देना नहीं पड़ा, और निवेश करने के लिए आपको कहीं से मांगना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट आपको उतना अमाउंट एक बार में दे रही है।
तो बिल्कुल सही है ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव। आपको यदि ये पूरी कंपाइल मैंने वीडियो इसमें कवर किया था फ्रेंड, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें, जिनको अवेयर नहीं है वो इस योजना का फ़ायदा या लाभ उठा सकते हैं। और फ्रेंड और भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि आधार से या गवर्नमेंट की सारी नई योजनाएँ हो या कोई भी अपडेटेड न्यू जॉब है उस पर बेसिस पे मैं बनाता रहता हूँ इसमें, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हमारे ओल्ड वीडियो या कास्केट वीडियो हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें फ्रेंड इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।